चालू होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। थर्मोडायनेमिक्स अपना फर्स्ट पेपर चल रहा है, इसका थर्ड यूनिट आज लास्ट है, इसके बाद थर्ड यूनिट अपनी खत्म हो जाएगी। पिछली वीडियो में अपन पढ़ रहे थे द मीडियम सेकंड के बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, प्रमुख गुण क्या है। आज भी उन्हीं कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अपन ने वो पूरे प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी। मीडियम के प्रमुख गुण कुछ गुण पढ़ लिए थे, दो या तीन सारे पढ़ लिए थे, आगे गुण पढ़ेंगे। पहले तो देखिए उसमें चालकता क्या होती है, उसमें चालकता हम जानते हैं 200 की उसमें चालकता होती है। उसमें धातुओं की चालकता सबसे ज्यादा होती है, धातुओं में ऊष्मा का चालन बड़ा आसानी से होता है, इसलिए हम उनको उसमें सुचालक पदार्थ कहते हैं। जबकि जैसे लकड़ी है, लोहे है, ऊन है, इनको अपन उसमें सुचालक कहते हैं, लेकिन इनमें ऊष्मा का चालन आसानी से नहीं होता। ठोसों में तांबे की उष्मीय चालकता सर्वाधिक होती है, तांबा सर्वोत्तम उष्मीय चालक होता है। जैसे विद्युत का भी सुचालक होता है, ऐसे उष्मा का भी सबसे अच्छा सुचालक जो है वो तांबा होता है। अब अपन यहाँ तो बात किसकी करेंगे, हीलियम फर्स्ट और सेकंड की। तो हीलियम दूसरे की मैं बताई थी पहले, फर्स्ट की जो होती है नॉर्मल जो की तरह होती है, लेकिन सेकेंड जो होती है विशेष होती है। सामान्य ताप पर उष्मीय चालकता उसकी घात माइनस चार है, बहुत कम होती है। जबकि बात करें इसकी हीलियम सेकंड की, तो हीलियम सेकंड की उष्मीय चालकता बहुत अधिक, इतनी अधिक लगभग तांबे की उष्मीय चालकता से उष्मीय चालकता से 800 गुना तांबे की चालकता है, 200 में सर्वाधिक होती है तांबे की उष्मीय चालकता, उससे भी 800 गुना ज्यादा आती है। तांबे की उष्मीय चालकता से 800 गुना हीलियम फर्स्ट से तुलना करेगा, हीलियम फर्स्ट की उष्मीय चालकता से लगभग 10 की घात 6 गुना होती है। यानी मान अगर इसका लिखे हीलियम सेकंड, उसकी जब थोड़ा हम पीछे जाते हैं अपन, तो 820 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर इंटू सेकंड इंटू टेन, लगभग उतनी उसमें चालकता किस करते हैं हीलियम, चार गुण हो गए। पांचवा जो गुण है वह है रॉलिंग फिल्म का निर्माण, ये बहुत अद्भुत गुण है इसका हीलियम सेकंड। रॉलिंग फिल्म क्या है, पारदर्शी फिल्म है जो ठोस के पृष्ठ पर बनती है, यानी ठोस के संपर्क में जब द्रव हीलियम सेकंड होती है तो उसके पृष्ठ पर एक पारदर्शी फिल्म का निर्माण होता है, इसकी सहायता से हीलियम सेकंड उस पर
फिसलते हुए या विसर्पण कर सकते हैं। तो ठोस के संपर्क में द्रव हीलियम सल्फेट एक पारदर्शी फिल्म का निर्माण होता है। इस पर हीलियम सल्फेट का विसर्पण होता है। इस फिल्म को रॉलिन फिल्म कहते हैं। इस फिल्म को क्या कहते हैं? रॉलिन फिल्म कहते हैं। अब इसमें कुछ स्थितियां हमें लेंगे अलग अलग, जैसे स्पीकर में द्रव हीलियम सल्फेट भर दी हमने, द्रव हीलियम सल्फेट, और एक परकीय ले लो उसमें भी द्रव हीलियम सल्फेट भर लो, इसके लेवल से ऊपर जाओ, यहां तक इसमें भी क्या बने? द्रव हीलियम सल्फेट। इस तरनली की दीवारों का रॉलिन फिल्म का निर्माण होगा, और यहां से जो ये द्रव हीलियम सल्फेट इस नली के अंदर भरी हुई है वो नली की दीवार के सहारे सहारे ऊपर चढ़ेगी और फिर नीचे दीवार के सहारे सहारे विसर्पण करते हुए इस बीकर में गिरती रहेगी। इसके बिल्कुल चिपक के चलेगी, नली की दीवार के सहारे सहारे ऊपर चढ़ेगी इस तरह से, और फिर सारे सारे नीचे सरकते हैं। और कब तक सरकेगी? जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता, यानी इस नली के अंदर भरी और इसके बाहर जो पिक्चर में भरी है दोनों का लेवल जो बराबर हो जाएगा तो ये विसर्पण रुक जाएगा। तब तक ये ऐसे बाहर निकलती रहे। सेकेंड चित्र इसका देखे, एक चित्र तो ये होता है। सेकेंड स्थिति इसमें भी ये द्रव हीलियम सल्फेट से भरा बीकर है, इसमें भरी है ये द्रव हीलियम सल्फेट, और इसके अंदर एक तकनीक को हमने यहाँ इस तरह से एडजस्ट कर दिया और तकनीक खाली है, इसके अंदर कम लेवल तक हीलियम भरी है। तो बाहर लेवल ज्यादा है और अंदर का लेवल कम है, तो यहां क्या होगा? इस पटनली की दीवार के सहारे सहारे रॉलिन फिल्म के द्वारा द्रव हीलियम ऊपर चढ़ेंगे, और फिर इस दीवार के सहारे सहारे इसमें गिरती रहेगी। ऐसे यहां चारों तरफ से होगा, दीवार के चारों तरफ से ऐसे रॉलिन फिल्म का द्रव हीलियम ऊपर चढ़ेगी और फिर दीवार के सहारे सहारे नीचे इसमें गिरेगी। तो बूंद बूंद रिस्क धीरे धीरे हवा पासे में चलती जाएगी चलती जाएगी, फिर से अंदर चलती जाएगी, और कब तक चलेगी? वही स्थिति जब तक दोनों में लेवल बराबर नहीं हो जाएगा, यानी यहाँ की हीलियम इसमें अंदर जाती रहेगी, जैसे लेवल कम होता जाएगा जब तक बढ़ता जाएगा जब दोनों का लेवल बराबर आ जाएगा, पर्नली के बाहर और अंदर दोनों जगह जब द्रव हीलियम सल्फेट का लेवल बराबर आ जाएगा तो अपने आप विसर्पण भी रुक जाएगा। तीसरी स्थिति मान लीजिए हमने बिल्कुल खाली पर्नली ले ली और इसको द्रव हीलियम सल्फेट के लिए ऊपर रख दिया, भर के रख दिया, जो तो हमने ले लिया और एक पकड़
इसमें भरी हुई है द्रव्यमान। इसमें वही होगा काले बिल्कुल का निर्माण होगा ऐसे अली की दीवार के सहारे सहारे हीलियम सेकंड ऊपर चढ़ेगी ये और फिर सहारे सहारे इसमें नीचे तक पहुंचती रहेगी। इस तरह से नीचे पहुंचती रहेगी इसमें गिरती रहेगी भीतर में और तब तक गिरेगी जब तक एक पूरी पतली खाली नहीं होगी। ऊपर ऐसे थोड़ा सा और अगर इसका लेवल बढ़ता तो मतलब ऊपर सुखा लो इसके ऊपर ही रहे इसके ये समय जरूर लगेगा कुछ उसमें ऐसा नहीं कि अचानक से सब कुछ बन के बाहर आ जाए तो उसकी तरह ऐसे भी नहीं तुम समझो दूर से जो बनता है पूरा बाहर आ ऐसे नहीं बहुत धीरे धीरे से और मौसम में ऊपर चढ़ेगी उतरती रहेगी उसमें भी ऊपर उसमें ऊपर से अंदर आ रही है उसमें भी बाहर निकल रही है और सब में वही स्थिति है एकदम नॉर्मल है वही लेवल बराबर नहीं हो जाएगा। अब इसमें लेवल जो बराबर है पतली खाली रहेगी पतली खाली होगी लेवल बराबर हो जाएगा और फिर क्या होगा विसर्पण रुक जाएगा। तो ये जो गुण है ये अद्भुत गुण है कॉलेज फिल्म के निर्माण द्वारा द्रव हीलियम सेकंड जो है पटनली की दीवार के सहारे या तो अंदर से चढ़ के बाहर गिरेगी या बाहर से उतर के अंदर गिरती रहेगी। वे आखिरी गुण और इसके अंदर है पांच गुण अपन पढ़ चुके हैं छठा गुण है छठा गुण है हमारा प्रभाव इसमें क्या करना है एक बीकर है इसमें एक ऐसी नली है जिसका नीचे का भाग चौड़ा और ऊपर का भाग बीच में ही बैठता है इसलिए जानते हैं ना बिल्कुल बारीक छिद्र वाली नली ऊपर का हिस्सा उस नली जैसा नीचे का चौड़ा भाग है पर एक सूक्ष्म बारीक छिद्र केस नली जैसा इस बात को ये कहते हैं इसको नीच कहते हैं और इस नली के अंदर बहुत सारा भाग एमली पाउडर एमली पाउडर जाते हैं इसके विभिन्न स्थान पर सूक्ष्म सूक्ष्म स्थान गैप होते हैं वो सब गैप केस नली के लिए काम करेंगे ये क्या बनते हैं हमने एमली और इस बीकर में भर दो क्या द्रव हीलियम सेकंड इस बीकर में क्या भर दिया हमने द्रव हीलियम सेकंड। तो ये ऐसी नली लेनी है जिसका नीचे का सिरा तो हो चौड़ा ज्यादा छिपल वाला ऊपर एक बारीक पतली इस नली के रूप में होनी चाहिए और इसके अंदर भर दिया हमने एमली पाउडर एमली पाउडर में बीच बीच में स्पेस होता है इंफिनिटी नहीं होती तो बीच बीच में स्पेस नलियों के रूप में काम करे केस नली मिट्टी में बारिश के समय बन जाती है केस नलियाँ जो छोटी ऐसी छोटी केस नलियाँ इसमें बन जाएगी और उन केस नलियों के द्वारा क्या होगा ये द्रव हीलियम सेकंड जो कि पहले बताया था कि तरंग रूप में होता है क्षारता इसमें बहुत कम होती है वो आसानी से केस नलियों के द्वारा द्रव हीलियम सेकंड ऊपर चढ़ जाए और ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ डालें क्या प्रकाश निश्चित आकृति का प्रकाश बना निश्चित आकृति का प्रकाश आवृत्ति न्यू है तो फोटोन के रूप में ऊर्जा डालने लगती है तो इस ऊर्जा को ग्रहण करेगा ऊष्मा ऊर्जा है एक तरह से ये प्रकाश में ऊष्मा ऊर्जा भी उपस्थित होती है। इस ऊर्जा को ग्रहण करने से हीलियम सेकंड तेज नलियों के द्वारा ऊपर चढ़ेगी इस तेज नली ऊपर चढ़ेगी यहाँ से फवारे के रूप में बाहर आएगी फवारे के रूप में कौन बाहर निकल रही है द्रव हीलियम सेकंड इसीलिए इसको कहते हैं फवारा प्रभाव फवारे की तरह इसमें से द्रव हीलियम सेकंड बाहर आ रही है समझिए करना क्या है
देते हैं। एक नली जिसका निचला सिरा चौड़ा और ऊपरी सिरा एक नली के रूप में है। ये निचले सिरे में एमरी पाउडर भरकर द्रविलियम सेकेंड से भरे बीकर में तथा निश्चित अवधि का प्रकाश एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हैं तो इस ऊष्मा ऊर्जा को ग्रहण करके जो प्रकाश आपतित कराया हमने ऊष्मा ऊर्जा है। ऊष्मा ऊर्जा को ग्रहण करके द्रव्यमान सेकंड एमरी पाउडर में बनी केस नलियों द्वारा और सही नलियों में नहीं इसके अंदर छोटे स्थान के रूप में केस नलियों द्वारा ऊपर चढ़कर फवारे के रूप में बाहर फवारे के रूप में बाहर निकलती है। फवारे तो में बाहर निकलेगी इसलिए इसका नाम है फवारा पौधा। ये कुछ विशेष गुण होते हैं जो भी विशेष गुण थे तो सब हमने पढ़ लिए। अरे लास्ट टॉपिक और है जिसके बाद तुम्हारी ये थर्ड यूनिट कंप्लीट होगी। 3 मिनट बजेंगे पूरी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड परम शून्यता की खोज। परम शून्यता की खोज यानी परम शून्यता कैसे प्राप्त की जाए। सब जानते हैं परम शून्यता के अंदर जीव और जल के रूप में सामान्यता कैसे अपने रूप के रूप में होता है। नॉर्मली सामान्य वातावरण में 27 सर्दियों के समय में 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेंटीग्रेड में 273 जोड़ते हैं तब 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 300 केल्विन। और मैं बात कर रहा हूँ 0 डिग्री केल्विन की। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब भाई 273 केल्विन होता है यानी वर्क जो चलती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो 273 केल्विन है। तो 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना कम टेम्परेचर प्राप्त करना वो परम शून्यता। हालांकि अभी तक एग्जैक्टली कंप्लीट 0 केल्विन ताप प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन लगभग इसके बराबर बात करता है। जैसे हीलियम के शीतलन पर हीलियम शीतलन अगर करा है हीलियम के शीतलन द्वारा लगभग 0.002 केल्विन का 0.4 केल्विन का प्राप्त किया जाता है। और 200 चुंबकीय में मैंने पढ़ा है परमाणु चुंबकीय लगभग के अरे कभी पढ़ चुके हैं मैंने अनुचुन के लगनों का अनुचुंबन द्वारा संकलन अनुचुंबकीय लगनों के दोष विचुंबकन द्वारा
लगभग 0.72 यहाँ तक बहुत हो गई। एग्जैक्टली कंप्लीट जीरो तो नहीं है लेकिन लगभग 0.002 केल्विन ताप यानी शून्य के निकट 0 केल्विन के निकट परम शून्य ताप की ओर अग्रसर ताप प्राप्त किया जाता है। और नाभिकों के परमाणु नाभिकों के दोष को विचुंबन द्वारा शक्तिशाली केंद्र द्वारा अगर चुंबित करें तो विचुंबन करें दोष रूप से दोष विचुंबन द्वारा लगभग 10^-6 केल्विन का प्राप्त किया जा सकता है यानी 10^-0.00000 और समथिंग लगभग 0 के नीचे ये सब परम शून्य ताप की खोज है यानी लगभग 0 केल्विन के आसपास पहुंच चुके हैं। इस तरीके से अपन प्राप्त कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक है इसको ऊष्मा गति का तृतीय नियम कह सकते हैं। प्रथम नियम तृतीय नियम अपन पढ़ चुके हैं ये है ऊष्मा गति का तृतीय नियम थर्ड नियम इसको नष्ट समय के नाम से भी नष्ट साइंटिस्ट है नष्ट समय जो है वो उष्मा गति का तृतीय नियम है। फर्स्ट नियम मैंने पढ़ा टेम्परेचर के बराबर डी टू प्लस टेम्परेचर सेकेंड नियम में डी टू बराबर डी एस बराबर डी क्यू ई के अकॉर्डिंग या दूसरे नियम को भी पढ़ा हमने कैल्विन प्लान का कहता है लॉसलेस का कहता है तृतीय नियम में आता है। और थर्ड नियम आप पढ़ेंगे नष्ट तो ये परम शून्य ताप से ही रिलेटेड है। तो पहले सुन लीजिए प्रमेय क्या है इसके अकॉर्डिंग परम शून्य ताप पर यानी कि 0 केल्विन ताप पर डी बराबर क्या होगा 0 केल्विन परम शून्य ताप पर किसी संघनित तंत्र की सभी अभिक्रियाएं हैं। संघनित से संघनन बदला है वाष्पीकरण से द्रव बदलना किसी संघनित तंत्र की सभी अभिक्रियाएं बिना एंट्रोपी परिवर्तन के संचालित होती हैं या बिना एंट्रोपी परिवर्तन के संपन्न होती हैं यानी जो भी अभिक्रियाएं संपन्न होती उन सब अभिक्रियाओं के संपन्न होने के दौरान एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा एंट्रोपी में परिवर्तन नहीं होगा एंट्रोपी क्या होगी नियत रहेगी। नष्ट प्रमेय के अनुसार या थर्ड नियम के अनुसार आप ये तीन वस्तु लिख सकते हैं नष्ट प्रमेय के अनुसार परम शून्य ताप पर परम शून्य ताप यानी टी बराबर 0 केल्विन पर किसी सभी अभिक्रियाएं बिना एंट्रोपी परिवर्तन के बिना एंट्रोपी परिवर्तन के संपन्न होती हैं बिना एंट्रोपी परिवर्तन के संपन्न होती है। ये प्रमेय है इसको अपन क्या कह सकते हैं ऊष्मा गति का तृतीय नियम ई बराबर 0 केल्विन पर एंट्रोपी एस ऑफ टी नियम या एंट्रोपी परिवर्तन डीएस बराबर 0 होता है। अब लेविस और रेंडल के साइंटिस्ट हैं लेविस एंड रेंडल वो साइंटिस्ट हैं यदि के अनुसार
एंट्रोपी शब्द है वो भी कंट्रोल की, एंट्रोपी शब्द है परिमित मतलब लिमिटेड, लिमिटेड नहीं है एवं धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं है। और परम शून्यता जीरो कंप्लीट है, जीरो की तरफ अवश्य जीरो टेंजेंट पर अवश्य ही शून्य होती है। शून्य परम ताप पर एंट्रोपी भी क्या होगी, शून्य ही बराबर जीरो पर एस जीरो लिखो क्या होगी, जीरो। अब क्योंकि अपन एंट्रोपी जो लिखते हैं उसमें गति के सभी नियम को अपन इसमें इंक्लूड करें, और हम सुनता है एंट्रोपी एस जीरो का मान क्या है, जीरो।
जीरो लिखते हैं तो एस डी बराबर समाकलन ये ऊष्मा गति का हमारा कार्य नियम है। ठीक है, तो ये हमने तीन नियम होंगे थर्मोडायनामिक्स के, दो पहले कर चुके हैं और ये तीसरा नियम है जो कि अंश प्रमेय के नाम से पूछा सकता है और अंश शून्य का आधारित है। तो इस तरह से हमारे लिए थर्ड यूनिट कंप्लीट है। कुल मिला के हमारे पास फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और ये थर्ड यूनिट, पांच यूनिट होती है, यानी एक पेपर का 60% कंप्लीट है। सारी चीजें मैंने लिखाई है, नोट्स वगैरह कोई बनाए हमने अपने आप, बाकी मैं भी थ्योरी वगैरह दिखा देता हूँ आजकल थोड़ी बहुत, लेकिन थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी क्योंकि कॉलेज कब खुलेंगे अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, कब खुलेंगे कब एग्जाम होगी, इसलिए मैं आपसे एक बार यही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई को निरंतर रखें, पढ़ते रहें, जो वीडियोज आपको प्राप्त हो रही है उन्हें देखें, ध्यान से समझें और नोट्स के रूप में लिखते रहें, इससे आपका भला होगा, बाद में एकदम से परेशान नहीं पड़ेगा कि अचानक से डेट अनाउंस हो गई कॉलेज खुलने की, एग्जाम की, फॉर्म भरने की, फिर अनावश्यक रूप से प्रेशर पड़ेगा तो विचलित हो जाओगे। अभी इतना काम मिल रहा है, अपन धीरे धीरे इसे करते रहो, तीन यूनिट हो गई है और तीन यूनिट मेरे हिसाब से इस साल के लिए पर्याप्त है, क्योंकि लास्ट ईयर की अगर हिसाब से देखें 60% ही अटेम्प्ट करना है, तो एक पेपर में 60% तुम्हारा हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेपर, और 60% तो कम से कम हो गया, इसका मतलब एक पेपर कंप्लीट हो गया। तो कितना पढ़ें इसको करते रहें ताकि बाद में कोई अनावश्यक रूप से प्रेशर ना आए। ठीक है, तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक कोरोना को आमंत्रित ना करें। तीन मिनट तुम्हारी होगी, पढ़ाई करते रहो, समझदार बच्चे हो सब। ठीक, अगली मिनट कल स्टार्ट करें।